हाँ तो दोस्तों हमारा निकलने का टाइम हो चुका है, हम निकल रहे हैं, 10 बज चुके हैं और हम निकलेंगे अब फिलहाल मनाली के लिए। रास्ते में देखते हैं कहाँ कहाँ रुकते हैं, क्या क्या खाते हैं, खाया कितना हमारे भाई। ये तो मुझे चश्मा रोक कैसे रखा सर पे अपने, बाल मजबूत वाले। तुम इनके बालों पे क्यों हाथ लगा रहे हो? बाल बड़े प्यारे हैं। इस टाइम पे सुबह का मौसम भी बहुत ज्यादा प्यारा है, आप चारों तरफ देखोगे हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये पानी बह रहा है जो ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रहे हैं, और इधर देखोगे तो इतना प्यारा एक झरना बह रहा है ये। ये आगे सबसे बड़ा पीस छोटू भाई ने लिया जो कि मुंह में डाला भी नहीं गया इनसे, तो अभी फिलहाल मैं खा लूं जलेबी वरना लुट जाएंगी। देखो जिस हिसाब से जलेबी दिखाई दी, अभी 3 पीस बचे खाली। तैयार होके अब निकल चुके हैं हडिब्बा टेंपल के लिए, कुछ मेंबर हमारे रह चुके हो तो भाई चल रहे हैं ऊपर। ऊपर जाते जाते थक गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यार, कांटा चुपा देखो देखो ऐसा लग रहा है कांटा अंदर घुसते ही चला जा रहा है, वो पूरा लाल हो गया तेरे। और ये देखो हमारे कैमरामैन का एक कांटा सा चुप गया, देखिए और कहां लगा है, रगड़ दो रगड़ दो रगड़ दो, कांटा सा लगा बड़ा केड़ा, और ऐसा लग रहा है कांटा लगने के बाद अंदर शरीर में घुसता जा रहा है वो। फिलहाल अभी हम थोड़े से फ्रेश हो चुके हैं मुंह हाथ धो करके, और अभी लग रही है हमें बहुत तेज भूख, अब चलते हैं नीचे बाहर कुछ खाने के लिए। तो हमें यहाँ माल रोड की तरफ, और हम अपनी गाड़ी खड़ी करके अब फिलहाल रूम से फ्री होके आए हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का। ज़्यादा तो भूख नहीं लग रही, लेकिन फिर भी जो भूख के टाइम भी हो रहा है, तो अब यहाँ पर कुछ जो मन कर रहा है, जो साथ में जो जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं भाई यहाँ पर हम खाएँगे दही और जलेबी, तो दही जलेबी की यहाँ पर दुकान है और इसके अंदर चलते हैं। सारे लोग अंदर जा चुके हैं पहले ही, तो हम भी चलते हैं और जाके ऑर्डर देते हैं और खाते हैं फिर। आइए, ये आ गई जलेबी। जो जलेबी आते ही ये बढ़ गई हिस्सेदारों के साथ। ये देखो कि सबसे बड़ा पीस छोटू भाई ने लिया जो कि मुंह में डाला भी नहीं गया इनसे, वो बाहर आ गया निकल के। और जी अभी क्या है कि हम लोग का जो प्लान था बेसिकली वो था रोहतांग बाईपास जाने का, बट परमिट की वजह से आज का प्लान वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो हमने परमिट कल का ले लिया है। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लोकल मनाली, जिसमें माल रोड आ गया, वन विहार है आपका नियर बाई, हडिम्बा टेम्पल है, चार जगह हम जाने वाले हैं और खूब मस्ती करने वाले गाइस। तो अभी फिलहाल मैं खा लूँ जलेबी वरना लुट जाएंगी। देखो जिस हिसाब से जलेबी दिखाई दी, अभी 3 पीस बचे खाली, तो मैं ले लेता हूँ भाई वरना मामला ख़राब हो जाएगा। तो जी देखते हैं यहाँ की जो जलेबी है उसका क्या स्वाद है। टेस्ट अच्छा है। जलेबी जो ली थी हमने खाने के बाद के लिए ली थी, लेकिन पेट के टूटे इतने हैं, टूटे क्या खाओ, भूख भी लगी पड़ी है, तो खाने का वेट नहीं करा, सीधा जलेबी से स्टार्ट कर दिया हमने। लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं, हम खाने से पहले खाते हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5 और हम जो है बिल्कुल अपना फ्रेश होके तैयार होके अब निकल चुके हैं हडिब्बा टेंपल के लिए, और उसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो वन विहार भी चलेंगे। तो आज पहले दिन में हम लगभग यही चीज़ें कवर करने वाले हैं, माल रोड हो गया आपका, तो इसको रात में विजिट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हडिब्बा टेंपल, आइए। तो यहाँ पर ये रास्ता है बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए। हम माल रोड से जा रहे हैं अभी फिलहाल हडिम्बा टेंपल की तरफ, तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्राचीन ये हमारा एक मंदिर है, जाके देखते हैं वहाँ पर बाकी क्या क्या है। आप पैदल भी जा सकते हो, 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास है, या फिर आप यहाँ से बाइक वगैरह भी ले सकते हो, बाइक वगैरह रेंट पर मिलती है, बाइक या स्कूटी या फिर बुलेट वगैरह कुछ भी आप ले करके यहाँ पर जा सकते हो, या फिर गाड़ी वगैरह अगर आपने कार वगैरह बुक करी है फुल डे के लिए तो आप उससे भी जा सकते हो। तो हडिम्बा टेंपल के हम यहाँ पर नीचे आ चुके हैं, हमें गाड़ी यहाँ पर अपनी पार्क करनी पड़ी है क्योंकि ऊपर जाने का जो रास्ता है वो वैसे हमें ऑन फुट जाना पड़ेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। और जो ये मंदिर है काफी प्राचीन मंदिर है, और ये जो मंदिर है जो भीम की पत्नी थी उनकी याद में इसको बनवाया गया था, और मैं खुद इसको पहली बार आज विजिट कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और बहुत ही फेमस ये मंदिर है। तो आज हम चल के देखते हैं इसकी खूबसूरती भी, काफ़ी ऊंचाई पे जाके है ये, पहले हमें जो है सबको ऊपर जाना पड़ेगा, और कुछ मेंबर हमारे रह चुके होटल में ही, वो अभी सो रहे थे तो हमें यहाँ का व्लॉग शूट करना था। तो हम जो है 4 मेंबर आ चुके हैं, एक हमारा कैमरामैन है और 2 मेंबर हमारे पीछे आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी कितनी ऊँचाई पर है ये अभी। तो
भाई चल रहे हैं ऊपर, ऊपर जाते जाते थक गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यार, कांटा चुपा दिखे जो दिखे जो एक बार दिखा दे तुम्हें ये वाले क्या ये वाले आप इनको देख सकते हो और इतने खतरनाक है ये, मतलब अगर आपके चुभ गए ना ये तो ये आपको देखो यहाँ को जैसे आप एंट्री करोगे ना तो उसके बाद यहाँ इसके पेड़ है कई सारे पेड़ है तो इनसे थोड़ा साइड में बच के चले, पूरा हाथ इनका लाल हो चुका है और कमर भी। चलो बाकी चलते हैं ऊपर, अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और सांस चढ़ चुका है चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पर आप साइडों में देखोगे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और एक पेड़ों का व्यू आपको अलग से ही खूबसूरत नज़ारा देगा। यहाँ पर ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं आपके, शायद ये देवदार के पेड़ हैं। सांस चढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, वैसे हम घूम के भी आ सकते थे गाड़ी लेकर लेकिन हमने सोचा है शॉर्ट रास्ता जल्दी पहुँच जाएंगे टाइम बचाने के लिए, लेकिन उतना ही भारी पड़ गया है। तो ये ऊपर आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर साइडों में आपको ये कुछ दुकानें मिल जाएंगी लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद हैं क्योंकि अगस्त का मौसम है और अगस्त के टाइम पे टूरिस्ट वगैरह काफ़ी कम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि बारिश के मौसम में टूरिस्ट कम आते हैं इसलिए ज़्यादातर जो दुकानें हैं ना ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। लगता है आज ये दुकानें खुली नहीं है, वैसे लगभग 5:15 बजे का टाइम हो रहा है फिर भी दुकानें बंद हैं सारी। तो फिलहाल ही आ चुका है आपका हडिम्बा टेम्पल आपके सामने और काफ़ी ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी सारी मूवी की यहाँ पर शूटिंग भी हुई है। और चारों तरफ आप देखोगे ना तो एक अलग ही व्यू है चारों तरफ का। तो जो हडिम्बा थी जिनके नाम पर ये मंदिर है उनका जो भाई था वो बहुत ज़्यादा वो बलशाली था और उसके साथ ही वो रहती थी क्षेत्र में, उसकी बहुत ज़्यादा दहशत थी। लेकिन क्या हुआ जब उन्हें भीम के बारे में पता चला तो उन्होंने भीम को ललकारा और कहा कि तुम्हें मेरे भाई से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो भीम ने जब उनके साथ युद्ध लड़ा तो वो भीम से हार गए। उसके बाद जो हडिम्बा थी उन्होंने जो है भीम से शादी कर ली, विवाह कर लिया और फिर भीम 1 साल तक उनके साथ रहे और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था कटोत्कच। और कटोत्कच ने बाद में जो है कौरव को हराने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी पांडवों की। तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है हर साल दशहरे पर, यहाँ पर एक मेला भी लगता है माँ हडिम्बा की याद में और ये काफी खूबसूरत जगह है। आइए अंदर इसके चलते हैं। तो मंदिर के अंदर बात करें, मंदिर के अंदर जो है फोटोग्राफी लेना बिल्कुल मना है, बाकी इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है और काफी लोग यहाँ पर, मतलब आज जैसे और जगह क्राउड कम था लेकिन यहाँ फिर भी काफी लोग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल अब हम उतरते हैं यहाँ से और बारिश भी आने लगी है और चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। उतरने में वैसे इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी आने में दिक्कत हुई थी। तो फिलहाल अब हम चलने वाले हैं वन विहार पार्क की तरफ। तो वन विहार पार्क के अभी ये जो आपको मेरे पीछे जो एरिया दिख रहा है वन विहार पार्क का जो है बैक साइड वाला एरिया है, तो अभी हम जो है इसी पार्क के अंदर जाने वाले हैं। इसका फ्रंट गेट आपका उस तरफ से हमें घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये पूरी के पूरा रोड जो है ब्यास नदी है हमारी, क्योंकि पूरा जो मनाली है ब्यास नदी के किनारे पर ही है। और ये देखो आप पानी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और ये पूरा का पूरा इस साइड का रोड जो है बैठ चुका है यहाँ पर, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये जो जैसे पानी का तेज बहाव आया होगा वैसे यहाँ का जो है सारा की सारी मिट्टी है, मतलब बह के चली गया जो भी है बैठ गया पूरा ये वाली साइड। और ये जो आपके सामने है वन विहार पार्क की ये बैक साइड है। तो हम फ्रंट की तरफ चलते हैं अभी फिलहाल। गाड़ी हमारी वो खड़ी, हमारे पहलवान भी ये खड़े और 2-3 पहलवान हमारे ये आ रहे, थोड़ा उनको टाइम लग गया आने में। अभी फिलहाल उतर रहे हैं हम ब्यास नदी के अंदर, थोड़ा इसका नज़ारा देखते हैं कैसा है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब उतरना एकदम मुश्किल है, ऐसा नहीं इतना आसान है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं रे, पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है यहाँ पर।
हाँ तो दोस्तों आ चुके हैं हम वन विहार मनाली के अंदर। गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दिया है और ये जो वन विहार है आपका, ये लगभग माल रोड से आपका 100 मीटर दूर है और एक मतलब बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर ये प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर आप आगे देखोगे चीज़ें सारी नेचुरल हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर शांति है। और बच्चों के लिए अगर कोई भी मान लो फैमिली वाला मेम्बर कोई आते हैं और उनके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी लेते हैं यहाँ पर टिकट, टिकट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टिकट जो है आपका 50 रुपीज़ है अडल्ट के लिए और चिल्ड्रन के लिए है 20 रुपीज़ का। और यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक है समर में यानी गर्मी में, और सर्दी की बात करें तो सुबह 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। टिकट ले लिया है तो यहाँ पर हमारे दो मेंबर, हमने टिकट लिया 100 रुपीज़ का, हमारे कैमरामैन और एक हम दोनों ही अंदर जाएंगे तो 100 रुपये का हमारा टिकट है। आइए चलते हैं अब अंदर। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो चारों डायरेक्शन में आपको यहाँ पर दिशा निर्देश लगे हुए हैं भाई कौन सी डायरेक्शन में आपको किस तरफ जाना है। तो अगर हम इस तरफ आएंगे तो ये सीनियर सिटीजन का एरिया है इस तरफ आपका, और यहाँ चिल्ड्रन एरिया, रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी आपको मिलेगा और बोटिंग पॉइंट भी और ड्रिंकिंग वाटर भी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे बोटिंग पॉइंट की तरफ, क्योंकि बोटिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो सभी लोगों का मतलब एक फेवरेट सा रहता है। और अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो इस तरफ आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे ना हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे दो रास्ते हैं, ये तो यहाँ पर हमारे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता ये जा रहा है। तो जो ये वाला रास्ता है जिम की तरफ जा रहा है, मेडिटेशन, और यहाँ पर मदर ट्री पॉइंट वगैरह है और आपका वॉशरूम वगैरह है। इस तरफ जाएंगे तो हमारा ये बोटिंग वाला एरिया, तो हम ऐसे जाएंगे और इसको घूम के फिर इस तरफ से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे झूले और ट्रैम्पोलिन वगैरह भी आपको सामने दिख रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। आप उनको देख भी सकते हो झूलों के साथ साथ में, यहाँ पर बच्चों के साथ साथ में जो है बड़े भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका ट्रैम्पोलिन एरिया जिस पर बच्चे यहाँ पर काफ़ी उछल कूद कर रहे हैं। इसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, इसी चार्ज में इंक्लूड है जो आप 50 रुपीज़ का या 20 रुपीज़ का बच्चों का यहाँ पर टिकट लेने वाले हो उसी के अंदर ये यहाँ पर इंक्लूड है। अब चलते हैं हम आगे बोटिंग की तरफ। तो ये जो यहाँ पर इसके अंदर आर्टिफिशियल लेक है और सामने आपका फिर आ जाता है रोड। तो यहाँ से आप जैसे ही नीचे आओगे सामने आपको आर्टिफिशियल लेक नजर आएगी जहाँ पर आपका बोटिंग वाला एरिया। तो अगर आपको बोटिंग करना पसंद है तो आप यहाँ पर करके बोटिंग कर सकते हैं। हम जिस मौसम में आए, अगस्त का मौसम है, 17 अगस्त है आज, और क्राउड बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है और बोटिंग भी आज बंद है, या तो शाम के लगभग 6 बज चुके हैं इसलिए बोटिंग बंद है। तो हो सकता है कोई यहाँ पर है नहीं अभी फिलहाल। तो बोटिंग का, वैसे बोटिंग का उन्होंने कहा था कि बोटिंग का आपको अलग से लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप बोटिंग कर सकते हो, फिलहाल तो अभी कोई है नहीं यहाँ पर। और जो है ये भी खाली पड़ी है लेक भी, जो आर्टिफिशियल लेक है उसके अंदर भी पानी चल रहा है, आप देख सकते हो ये पानी भरा जा रहा है इसके अंदर, ये रहा पाइप के थ्रू। तो आप जब कभी भी आओ तो यहाँ पर अगर बोटिंग करना चाहो इसके अंदर तो बोटिंग कर सकते हो, बच्चे यहाँ पर आपके एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आउटलेट मिल जाएगा जो कि सूती वगैरह के है, इसमें यहाँ पर आपको सूती वगैरह के कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सूती के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो स्वदेशी हैं सारे के सारे। और मतलब ये आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वो दिखा रखे हैं, तो जो इन्होंने आउटलेट खोल रखे हैं इनका मल्टीपर्पज़ है इनका भाई जो है, जिससे एक रोज़गार वगैरह मिले और यहाँ के जो कुछ मतलब एक अपना कल्चर है तो उस कल्चर को यहाँ पर आप हैंडलूम के थ्रू यहाँ पर शो कर रहे हैं ये। और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह के वर्क हैं इनके अपने अलग से हैं जो एक स्पेशल इसी एरिया में होते हैं जो यहाँ के कल्चर को शो करता है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, आगे भी ये पार्क आपका काफ़ी बड़ा है। तो ये वाला एरिया तो हमारा हो गया प्ले जोन वाला जो सारा बच्चों का है। अब आगे जो है कुछ आपका इसके अंदर आगे मिलेगा आपको जिम वाला एरिया और साथ में आपका वॉशरूम वगैरह है और जो भी है आगे चल के और देखते हैं। अभी उस तरफ को और है काफी बड़ा पार्क है अभी। तो यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे और देवदार के पेड़ हैं ये, तो यहाँ पर ही आपको चारों तरफ देवदार के पेड़ नजर आएंगे और इनका एक अलग ही व्यू है और इनकी हाइट भी काफी ज्यादा है और एक नेचुरल जो फील आता है ना, मतलब एक उसको आप यहाँ करके एक्सपीरियंस कर सकते हो। और इस टाइम का जो समय है ना बिल्कुल एक ठंडक सी यहाँ पर है, एक रिलैक्सपन है बिल्कुल मौसम में भी, तो बहुत ही शांति यहाँ पर। आप कभी भी आओ तो यहाँ पर आपको मतलब एक अलग सा ही सुकून मिलेगा आने के बाद। और बाकी सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर इन्होंने एक ये नेट यानी एक जाल सा लगा रखा है चारों तरफ, और जो उस तरफ रोड भी है तो रोड की तरफ से पूरा का पूरा इन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी है जाल से, और इस तरफ भी। तो चारों तरफ जो है इस पार्क को बैरिकेट कर रखा है, मतलब एक जाल से इसको सुरक्षित बना रखा है। तो जाल से बनाने का मकसद ये, मान लो कोई इधर को गिर जाए, काफी ज्यादा ऊंचाई है इसकी, और मतलब क्योंकि पहाड़ तो है ये, पहाड़ के ऊपर ये आपका पूरा जो नेचुरल पार्क है, नेचर पार्क है ये मनाली का आपका, और बराबर में आप देखोगे तो नदी यहाँ पर बह रही है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने नेट वगैरह लगा रखा है कोई नदी वगैरह में इसमें नहर के अंदर ना जाए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा तेज है ये आपका। और ये आपकी ब्यास नदी है जो अभी हम ऊपर से देख रहे थे ना, जहाँ खड़े थे बिल्कुल हम उसके वहीं पर हैं अपोजिट में, जहाँ भी हमने वीडियो शूट कर रहे थे पूरा का पूरा रोड देखो धसा हुआ है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट में आता। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है और अभी हम इस पार्क का चक्कर ही लगा रहे हैं,
तो अभी जो हमें यहाँ पर जो एक दो इंसान मिले उनसे पूछा भी क्या है आगे जिम वाला एरिया है नहीं है, तो बताया कि जो शुरू में जो इंस्ट्रूमेंट लग रहे थे ना वही जिम वाला एरिया था, जो प्ले जोन था बच्चों का वहीं पर ही। बाकी ये पूरा एक सर्कुलर है, जब जैसे हम घूमते जा रहे हैं इसको ही हमें लास्ट में वहीं ले जाएगा जहाँ से हमने एंट्री करी थी। बस एक सर्कुलर ये पाथ है अपना घूमने के लिए, वॉकिंग भी हो जाएगी, लेकिन कई किलोमीटर तो हम चल लिए अभी पैदल, अगर घड़ी में देखें तो 1.5-2 किलोमीटर चल लिए अभी तक वॉच में अपनी। बाकी इसको पूरा चक्कर काट के फिर वहीं पहुंच रहे हैं, और कुछ नया मिलता है तो उसको भी दिखाते हैं। तो जगह जगह यहाँ पर आपके साइन बोर्ड लगे हैं कि कितनी दूर रह गया कितना नहीं, तो हर 100 मीटर पर इन्होंने लगा रखा ये सर्किट ट्रेल, ये रहा 800 मीटर बचाया अब यहाँ से हमारा, ये आप देखोगे यहाँ से है 800 मीटर। इस तरह से इन्होंने जगह जगह सारे यहाँ पर सर्किट लगा, मतलब ये बोर्ड से लगा रखे हैं साइन बोर्ड। तो ढूंढते ढूंढते जिसके चक्कर में हमने इतना लंबा चक्कर काटा है वो हमें ओपन जिम यहाँ पर मिल चुका है। तो ये ओपन जिम है, यहाँ पर आप ओपन जाके, मतलब एक ये है कि सुबह के टाइम में अलग यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन लेवल बढ़िया मिलेगा, यहाँ एक्सरसाइज करोगे तो कुछ अलग ही फील आएगा आपको। तो ये जो मशीन है आपकी चेस्ट और बैक दोनों के लिए है ये, इसमें आपकी चेस्ट पे फर्क पड़ रहा है यहाँ पर जो फील आ रहा है और बैक पे भी आ रहा है। इसके अलावा ये कुछ मशीन हो रहा है, ये वाली देखते हैं किसकी है, शायद ये थाई की मशीन है शायद, पर इसमें तो कुछ वेट वगैरह है ही नहीं, तो शायद फ्री हो रही है क्योंकि इसमें तो कुछ वेट बहुत हल्की है, बहुत लाइट वेट है ये। इसके अलावा तुम्हारा ये हो गया कुछ डिप्स वगैरह लगाने के लिए, पुशअप्स वगैरह लगाने के लिए अगर किसी को लगाने हो तो। ये चिनअप्स के लिए हो गया बैक। तो कुल मिलाकर आपको जो नॉर्मल थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाएगी आपको फिट रखने के लिए, ये कुछ अलग है लेटने के लिए है कुछ, और एक ये आपकी पेट की एक्सरसाइज ये रही। अगर आपको अपने साइड को ओब्लिक्स बनाने हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज यहाँ पर ये मशीन दे रखी है पेट के लिए, काफ़ी बढ़िया एकदम औसम। मतलब ये जिम इतना बढ़िया लगा भाई, सब सुबह को उठो अपनी यहाँ पर वॉक करो, और वॉक करने के बाद जो है अपना जो आउटडोर जिम है ये आपका, इसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, इतनी इंसान को एक्सरसाइज की ज़रूरत भी पड़ती है। तो फिलहाल आ चुके हैं हम एग्जिट की तरफ, पूरा 2 किलोमीटर का इसका चक्कर है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है पूरा 2 किलोमीटर का चक्कर है, और 2 किलोमीटर का चक्कर काटने में हमारी हालत ख़राब हो गई। अब आ चुके हैं हम एग्जिट की तरफ, तो यहाँ पर आपको देखोगे तो चारों तरफ मतलब वही, यहाँ स्टार्टिंग में जो आपको सारा एरिया दिखाए थे वही है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पार्क कैसा लगा, नेचुरल पार्क है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। ये रहा हमारा एग्जिट गेट, और चलते हैं बाहर। तो फिलहाल हम पार्क से जो है बाहर निकल चुके हैं, और अब जा रहे हैं माल रोड की तरफ, अब माल रोड को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको साइड में मेरी मार्केट नज़र आएगी पूरी की पूरी, यहाँ पर आपको की मार्केट है पूरी की पूरी, यहाँ पर आपको वुडन का भी सारा सामान मिल जाएगा, वुडन वर्क है ये आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा वुडन के अलावा यहाँ पर कपड़ों का भी है, और कपड़े भी आपको जो यहाँ का कल्चर है ना उसी हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ ऊनी टाइप के यहाँ पर आपको कपड़े मिल जाएंगे, साथ में बच्चों के खेल खिलौने भी हैं। तो माल रोड पे जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको सामने बस स्टैंड नज़र आएगा, जो यहाँ पर सरकारी बस स्टैंड है ये बस यहीं पर आगे रुकती है, प्राइवेट बस तो अलग है पहले ही आपको छोड़ देती है। उससे आगे चलोगे तो दुर्गा मंदिर है यहाँ पर ये, और इससे ऊपर को चलोगे तो यहाँ पर ही आपका ये माल रोड का एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको बढ़िया नज़र आता है। तो इस टाइम शाम के टाइम ही यहाँ पर आपको चहल पहल ज़्यादा मिलेगी यहाँ पर, और खाने पीने का आइटम है साथ में कपड़े वगैरह के, और जो भी छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं, तो इस तरह के आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये दुर्गा टेम्पल, ये रहा आपका दुर्गा टेम्पल, दुर्गा माता मंदिर है ये। तो माल रोड की जो खूबसूरती है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है ये, रात को आप आओगे तो आपको एक अलग ही यहाँ पर इन्जॉयमेंट करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जगह जगह काफ़ी सारे जो है ये देखो ये पर यहाँ पर आपके शूज़ और चप्पल्स वगैरह मिलेंगी, और कुछ खाने के जगह जगह रेस्टोरेंट है, खाने के आइटम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेंगे, पहनने के भी यहाँ पर क्लोथ्स वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते चप्पल वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यानी कि एक अलग से एक रॉयल मार्केट की तरह है पूरी, जो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी।